नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। दिल्ली में कोरोना हो रहा आउट ऑफ कंट्रोल। 6 दिन में आए 6700 के संक्रमण की रफ्तार ने चौंकाया। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1367 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इस अवधि में संक्रमण 4.50 दर प्रतिशत दर्ज की गई। दिल्ली में लगातार 6 दिन संक्रमण के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। नई दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर अब हर दिन बढ़ने लगा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1367 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इस अवधि में संक्रमण दर 4.50% दर्ज की गई। दिल्ली में लगातार 6 दिन संक्रमण के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में अब तक संक्रमण के कुल 1878 मामले सामने आए हैं, जबकि 26170 मरीज इस घातक वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं। इसके मुताबिक शहर में मंगलवार को कुल 30,346 नमूनों की जांच की गई। दिल्ली में मंगलवार को संक्रमण के 1,204 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि संक्रमण दर 4.64% रही थी। इससे पहले सोमवार को कोरोना संक्रमण के 1,011 मामले दर्ज किए गए थे और एक मरीज की मौत हो गई। ठीक इसी तरह रविवार को भी 1,083 कोरोना केस दर्ज किए गए थे और इस महामारी से एक मरीज की जान चली गई थी। वहीं दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 1,094 नए मामले सामने आए थे और शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1,042 मामले दर्ज किए गए थे। गौरतलब है कि बीते 13 जनवरी को दिल्ली में कोविड-19 के रिकॉर्ड 28,867 मामले आए थे। दिल्ली में 14 फरवरी के संक्रमण दर 30.4% दर्ज किए गई थी। राजधानी दिल्ली में बीते 6 दिनों में कोरोना वायरस के 6701 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज हो गई है, इसका अंदाज़ा किसी बात से लगाया जा सकता है। राजधानी में जहां 11 अप्रैल को महज 601 कोरोना के एक्टिव केस थे, आज यही एक्टिव केस की संख्या 4832 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज की संख्या में अब भी कमी है। दिल्ली के अस्पतालों में अब तक 129 मरीज भी भर्ती हैं, जबकि 3336 मरीज अब भी होम एसोसिएशन में हैं। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।